भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने उपमंडल पिहोवा के गांव में चुनावी जनसभाएं की। पिहोवा के गांव थाना में जिला परिषद के सदस्य सचिन नंबरदार की अध्यक्षता में नवीन जिंदल का पिहोवा के गांव थाने में पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नवीन जिंदल ने कहा कि जहां पर भी वह जा रहे हैं वहां पर उनको जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज की जो है रहने वाले हैं, आज आप थाना गांव में पहुंचे हैं, किस तरह का जो है जनता के द्वारा जो है आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज हमारे पिहोवा के सारे कार्यक्रम है और मैं थाना गांव से शुरुआत की है। आप देख रहे हैं कि पूरा जो है यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आए हैं और सबने बात बहुत ध्यान से सुनी, सबने जो है हाथ खड़ा करके जो है हाथ उठा करके सबने अपना आशीर्वाद दिया, तो बहुत समर्थन लोगों का, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी हम बहुत आभारी हैं लोगों के, कि लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता की अपील जो हो रही है कि जिस तरीके से जब आप सांसद थे तो उन्हें बहुत सी सुविधाएं जो है, मेडिकल कैंप की बात की जाए या फिर बहुत सी सुविधाएं थी, क्या मैं बिल्कुल जो मेरा राजनीति में आने का मकसद ही लोगों की सेवा करना है, और पिछले 10 साल पहले जो मैं काम करता था उससे और ज़्यादा अब मुझे और भी अनुभव हुआ है, और ज़्यादा मजबूती आई है, तो आने वाले समय के अंदर मैं और ज़्यादा अधिक जो है मैं लोगों की मैं सेवा करूँगा। और हरियाणा सरकार में भी आज हमारे खुद के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे, वो पूरे हल्के को अच्छे से जानते हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय की जितनी स्कीम्स हैं वो भी होंगी, और मैं अपनी तरफ से भी जितना पहले करता था उससे कहीं अधिक मैं करके और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम में और आसपास के गांव से और मेरे पिहोवा हल्के से आई हुई सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मैं गांव थाना में और मेरे निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्वागत में गांव थाना में पहुंचने पर मैं सबका हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को और श्री नवीन जिंदल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम 2 लाख प्लस की हमारी लीड होगी और 2 लाख की हम लीड से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी की झोली में कुरुक्षेत्र सीट तो है ही है, 400 पार के साथ हम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।